यही शिवलिंग है। सावन का महीना चला और सावन के महीना में जिस तरह शिवलिंग को तोड़ा गया है, इससे पहले मंदिर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार ओम सोमेश्वर महादेव मंदिर काफी भव्य तरीके से ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे हालात ये हुआ कि बगल के असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व जो है लगातार इस इलाके में जितने भी मंदिर है सभी मंदिर में शिवलिंग लगा है, तो कहीं कोई मंदिर पत्थर लगाया गया है जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा हमेशा तोड़ा जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आज यहाँ पे हालात ये हुआ कि जीवीनगर थाने क्षेत्र के शाहपुर जो गांव है यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग है और शिवलिंग को किस तरह सामाजिक तत्वों द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हालात ये हुए ग्रामीणों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ है, उसी के सहारे असामाजिक तत्वों को पकड़ लिया गया, उसके बाद से पुलिस को सौंप दिया गया है। पूरी घटना क्या कुछ है जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह लगातार इस इलाके में बताया रहा कि शाहपुर में वही पसियोर बाजार पे सिहौता गाँव में तमाम कई आसपास के इलाकों में लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरह मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, इस पर प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे पूजा करने वाले बाबा भी मौजूद हैं। चाचा कैसे घटना घटल भाई, कब घटल भाई? ए ए ए 12 बजे से 1 बजे ये काम हुआ, हम 2 बजे है माने 2 बजे तक काम ये हुआ, हम 9 बजे तक पूजा पाठ करके हम चले गए। अच्छा रात में नहीं दिन में? अच्छा हम 9 बजे तक किया थे और 9 बजे का औरत लो आई है पूजा पाठ किया है जी। तो हम इस भगवान को हम बन नहीं कर सकते क्योंकि तो आप लोग पूछ रही है हमारा जीरो ये उसके बाद हम 9 बजे सबको बोलकर चल गए। उसके बाद हम 2 बजे ले 2 बजे के बाद आए हैं घर से तो देखते हैं ये शिवलिंग टूटा हुआ दरवाजा खुला हाथ पैर धो कर। अच्छा तो गाँव के बगल का तोड़ने वाला है, कहाँ का था वो? अब तो पता लगता है कि इधर का निवासी तोड़ा है। अच्छा बताया जा रहा है कि अगल बगल और कई मंदिर का जो है इसे तोड़ा गया है। हाँ तोड़ा गया है। हाँ ये भैरव बाबा का तोड़ा गया, वहाँ का मंदिर तोड़ा गया, नौका बाजार का महाराज का तोड़ा गया है। अच्छा जी लोग पूरा गिरोह बना के हमेशा तोड़ फोड़ कर रहा है। हाँ 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 ये क्या बात है जी। प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा इस घटना को लेकर, क्या मांग करते प्रशासन से, क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई इसको भरपाया कीजिए, इसको जो खर्च लगता है उसको भरपाया कर दिया और कानून का तहत उसको कानून किया जाए, कार्रवाई किया जाए जी। लेकिन तमाम गांव के लोग मौजूद है, क्या इसके लिए संगठन चलाया जा रहा है? जय भीम का नारा लगा रहे वो लड़का जी, खमौरी गांव का निवासी है, मंदिर तोड़ने वाला, जय भीम का नारा लगा रहा है, मतलब बगल ही गाँव का, बगल गाँव का रहने वाला है। और भी 2 लड़कों को हम लोग पकड़े थे जी, तो उसमें से 1 लड़का भाग रहा था, हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे पकड़ने के लिए, और हाथ उठा के जय भीम करते हुए इतना स्पीड भागा है वो, आपसे क्या बताऊं सर, मतलब पाँव कीच होते हुए इधर से सामने से भागा है जी। हाथ में नहीं आया, दूसरा आदमी हाथ में आया तो गांव के बच्चे लड़के सब हमारे जैसे उसको मारे पीटे ये अलग बात है, लेकिन जो अधर्मी था वो भी उससे 1% भी पछतावा नहीं हो रहा कि मैं पकड़ा गया हूँ। और एक मंदिर का बात नहीं है सर, इस क्षेत्र के हर मंदिर में जितना भी शिव जी का मंदिर है शंकर भगवान का, हर मंदिर का शिवलिंग वो तोड़ता है। आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ इस कैमरे का, आप वीडियो में देखिएगा कैसे हथौड़ी मारा है, उसका कलेजा कैसे कर दिया कि वो प्रशासन को सौंप दिया गया है, उसको प्रशासन को सौंप दिया गया है। लेकिन कहाँ का रहने वाला है वो? खमौरी गाँव का निवासी है। क्या मांग कीजिए इस घटना को लेकर प्रशासन से लगातार जिस तरह आप लोग के इलाके? मैं योगी जैसा मांग करूंगा, बुलडोजर, समझ रहे हैं, करवाई हो। हाँ करवाई हो, मुझे बुलडोजर जैसा करवाई चाहिए, मैं तभी जाके मेरा आत्मा शांत होगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर पछताते रहूंगा जब तक जीऊंगा कि यार पहले के जमाने में सीधा खेल, कभी भी मंदिर बनवाइए कहीं बनवा दीजिए बिंदास, उसके चारे सभी दरवाजे खोल दीजिए, कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में देखिए कैमरा लगाना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है हमारे धर्म सनातन धर्म के लिए, हमारे भगवान लोग को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित देखने के लिए हम लोगों को कैमरा लगाना पड़ रहा है। मंदिर में एनी टाइम बाबा रहते हैं, नौका बाजार जानते हैं यहीं पे पास में है, वहाँ पे ऐसे पत्थर लगा है मंदिर के आजू बाजू चारों बगल, रोज रात को 10-20 बहुत सारे लोग सोते हैं जी। 5-10 मतलब अनाथ जैसे लोग वहाँ पे सोते हैं, वहाँ आजू बाजू में मंदिर के आजू बाजू में बंदे सोए थे, उसके बाद भी वहाँ पे ये अधर्मी अंजाम दे दिया, बाबा का घर का सब लूट लिया, उनका करकट तोड़ तड़ के उसमें भी चोरी किया, इतना मतलब ये लोग शातिर हो गए हैं, इतना इन लोगों का मन चढ़ गया है कि अब सर इनके ऊपर अगर ऐसा बुलडोजर जैसा एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हो गया हमारा बिहार का नाश। इसके लिए संगठन चलाया जा रहा है, उस लड़का को हम लोग मारे पीटे तो बताया, बाबा से मन्नत मांगे थे, मन्नत पूरा नहीं हुआ तो हमने आके तोड़ दिया, वो बता रहा है कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, जय भीम का नारा लगा रहा है, बोला जब जय भीम का हम नारा लगाते हैं, जय भीम का पूजा करते हैं।
देखिए तमाम गांव के लोग मौजूद थे, इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि सामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है।